सो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो का थंबनेल देखकर इस पर क्लिक करके आए हैं तो आज की स्टूडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप भी अट्रैक्टिव थंबनेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्मार्टफोन की मदद से और अपने चैनल के ऊपर व्यूज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा, पसंद आएगी लाइक कीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं फ्यूचर में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात कि अट्रैक्टिव थंबनेल्स आपकी वीडियोस पर व्यूज गेन करने में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका टाइटल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो जाता है आपके व्यूवर्स के पास, जो यूट्यूब आपकी वीडियोज के थंबनेल्स को भेजता है एज अ इंप्रेशन बनाकर, यहाँ पर आपके टाइटल को व्यूवर्स नहीं देखते, वो आपके थंबनेल से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जितने ज्यादा आपके थंबनेल्स अट्रैक्टिव होंगे इतने ही ज्यादा आपकी वीडियोज के ऊपर व्यूज आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इस वीडियो की फुल स्क्रीन एनेबल कर लें, क्योंकि मैं आपको ये मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सिखाने लगा हूं। सो गाइज, थंबनेल बनाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे इसका नाम है पिक्सल लैब, प्ले स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने ये इस तरह का सरफेस होगा। इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आपने ऊपर डस्टबिन का निशान है इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद राइट साइड पर टॉप पर आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करें। इमेज साइज एक जगह पर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर ये कस्टम के सामने ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा YouTube थंबनेल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से इसको करना है ओके। ओके करने के बाद नीचे आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है ए, और इसके साथ ही एक डबल बॉक्सेस है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर लेफ्ट साइड पर आपको ये कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर दोबारा ऊपर वाले कलर के ऊपर क्लिक करके नीचे से एक ब्लैक या व्हाइट, या ब्लैक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ब्लैक या तो कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करें या व्हाइट, मैं यहां से ब्लैक सेलेक्ट करता हूं और इसको करता हूं ओके। ओके करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी एक पिक्चर लेकर आता हूँ जो अपनी वीडियो में मैंने यूज़ करनी है। चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। यहाँ से इस प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी करूँगा और उसके बाद देखें जो जो प्रोसेस जैसे बताऊँ ऐसे ही आपने भी करना है। इससे यहाँ से करूँगा एल्बम में जाऊँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा और यहाँ से ये पिक्चर मैं लेकर आ गया। इसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर लाऊँगा और इसको मैं सेट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो सबसे मतलब बड़ा ये डॉट है, सर्कल है, इसको आपने पिक करेंगे तो आपकी पिक्चर मूव तो होगी लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ ए, इस ए के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट के नीचे सामने लिखा हुआ प्लस का साइन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा आपके पास और नीचे आपके पास एक पेंसिल का साइन है, एडिट लिखा हुआ है, आपने इसको एडिट करना है। बिल्कुल सिंपल और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाकर दिखाऊँगा आपको। यहां से इसको कैंसिल करें और यहां पर लिखें कि हाउ टू क्रिएट, इसको पहले लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपने इसको भी क्या करना है, इस डॉट से इसको बड़ा छोटा करेंगे तो इसका साइज डिस्टर्ब नहीं होगा। यहां से इस साइज का कर लेता हूं। करने के बाद नीचे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पर देखें एक जगह पर आपको डबल ए बी लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ये कर लें, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अक्सर देखा होगा मैं इस टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड भी लगाता हूँ, वो कैसे लगाते हैं, ये लिखा हुआ है टी और इसके पीछे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें, एनेबल करें, नीचे जाएँ कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको ओके करें। ये देखें इसके बैकग्राउंड में कलर आ गया। अब अगर इसकी एडजस्टमेंट करना चाहें कि राइट लेफ्ट पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहें, नीचे जाएं लेफ्ट पे पेंडिंग पर थ्री कर दें और राइट पे भी थ्री कर दें। थ्री करने के बाद इसको ओके करें। ओके करने के बाद इस तरीके से आपने लिख देना है कि हाउ टू क्रिएट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ थंबनेल, दोबारा आपने यहाँ पर सरफेस पे क्लिक करना है, ए पर आना है, ए पर आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, फिर एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर सिंपली टाइप करें थंबनेल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थंबनेल। थंबनेल लिखने के बाद ओके करना है। इसको ओके करने के बाद नीचे ले आएँ, इसका चाहे तो आप साइज़ इंक्रीज़ कर लें या इसको एडजस्ट करना है आपने अपने मुताबिक। इसके कलर कम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि इस ब्लैक के ऊपर आपने रेड रखना है, वाइट रखना है, येलो रखना है और ब्लू रखेंगे तो आपका हाईलाइटेड और HD थंबनेल आपको व्यू नज़र देगा। यहाँ से मैं इसको करता हूँ, इसके टेक्स्ट पर जाता हूँ, इसके कस्टम इसका साइज़ कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा और इसको मैं करता हूँ येलो। अभी देखिएगा इसका मैं कलर चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पर जाएं और आपको ये कलर का ऑप्शन मिलेगा, ये देखें आप, ये यहाँ से मैं राइट करता हूँ इसको और ये देखें ये मैं येलो करता हूँ। तो ये देखें हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोज़, या यूट्यूब आप सिंपल अगर करना चाहें तो कोई पिक्चर अगर आपके पास यूट्यूब पर आपने गैलरी में डाउनलोड की हुई है जिस पर यूट्यूब लिखा हो PNG, इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ, यहाँ से मैं इसको लेकर आता हूँ। ये मैं लेकर आया, इसको मैं करता हूँ क्रॉप। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर मैं इसको देखें, मैं आपको लेकर दिखाता हूँ।
ये क्रॉप किया, इसको मैं अब यहाँ पर एडजस्ट करूँगा इसको। ये देखें, इस तरीके से आप अपना थंबनेल इजीली और सिंपल वे में क्रिएट कर सकते हैं। इसके नीचे जो ऑप्शन है राइटिंग करने के लिए, आपने ये ऑप्शन यूज़ करना है, ए वाला। अगर कोई इफेक्ट को मतलब चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज करना है, तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये ए खुद अनेबल हो जाएगा। इसके कलर को चेंज करना चाहें, ब्लू करना चाहें, ग्रीन करना चाहें, जो आप इसका कलर करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब आपके पास इस तरीके से थंबनेल क्रिएट हो जाएगा, तो इसको आपने सेव कैसे करना है, यहाँ पर ये ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पर ये कस्टम वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर टिक करके आपने अल्ट्रा पे टिक करना है, और नीचे लिखा हुआ है सेव टू गैलरी, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी गैलरी में इमेज सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप इस थंबनेल को सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना सकते हैं। इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाऊंगा। फिलहाल सिंपल अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए ब्लैक बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ करें। अगर मैं यहाँ से इसका व्हाइट बैकग्राउंड करना चाहूँ, तो ये देखेंगे इसका व्हाइट बैकग्राउंड भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल इसका ब्लैक किया है ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये थंबनेल का शॉर्ट एक हिंट आपको, जिससे आपके थंबनेल्स पर एक अच्छी सी लुक आएगी, आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।